लॉकडाउन के दौरान शेल्टर होम में रखे प्रवासी श्रमिकों के सब्र का बांध लगातार टूटता नजर आ रहा है। आज रादौर में भी प्रशासन द्वारा सरकारी स्कूल में ठहराए गए 670 श्रमिक घर जाने की जिद पर अड़ गए और जमकर हंगामा किया, जिन्हें शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि कई घंटे की मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा 48 घंटे में घर भेजने के आश्वासन पर प्रवासी श्रमिक शांत हुए। पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए सुविधा नहीं है, सोने के लिए सुविधा नहीं है। जी सर, हम लोग को गाड़ी नहीं चाहिए। क्या चाहते हो आप जी? सिर्फ हम लोग का पैदल जाने का आदेश चाहिए। वहीं इस बारे डीएसपी रादौर कुशल पाल राणा ने कहा कि रादौर में 3 जगह प्रवासी श्रमिकों को ठहराया गया है। आज सरकारी स्कूल में ठहराए गए प्रवासी श्रमिक घर जाने की जिद पर अड़े हैं, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंचा दी गई है। वहां से जैसे भी आदेश प्राप्त होंगे कार्रवाई की जाएगी। यह थोड़ा बिहार जाने की जल्दी जाने के जिद कर रहे हैं, तो इनको समझाया जा रहा है, अभी इनको समझा लेंगे। बाकी सरकार अपनी तरफ से इनकी व्यवस्था, हमारे एसपी साहब, डीसी साहब, इनको बिहार भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिनकी जल्दी व्यवस्था हो जाएगी और इनको भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा रादौर में 3 जगह बनाए गए शेल्टर होम में लगभग 1100 प्रवासी श्रमिकों को ठहराया गया है, जहां पर इन प्रवासी श्रमिकों के खाने पीने की व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जा रही है। लेकिन अब लगातार इन प्रवासी श्रमिकों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। खैर, आज प्रशासन द्वारा 48 घंटे में श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने के आश्वासन पर यह शांत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आरटी भारत।